ननी आराध्या बच्चन अपने दादू अमिताभ के बियर्ड खींचा करती हैं। जी हाँ, दाढ़ी खींचा करती हैं, ये अमिताभ बच्चन ने बताया था। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपको बता दें, अमिताभ ने कहा उनकी पोती उनकी दाढ़ियाँ खींच कर खूब खुश हुआ करती थी। जब भी वो किसी फिल्म के सेट पर उस तरह का लुक रखते हैं तो उस तरह के लुक को देखकर वो काफ़ी अचंभित भी होती है। बता दें आप सबको कि आराध्या बहुत खुश होती हैं जब भी अपने दादू की गोद में होती है। पहली बार आराध्या ने अपने दादू अमिताभ के दाढ़ी को 9 महीने की उम्र में खींचा था। अमिताभ ने ये खुलासा किया था अपने फिल्म के सेट पर और अपने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड के दौरान। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि उनके पास प्यारी सी पोती है। आराध्या अपने दादू को सबसे ज़्यादा मिस करती है अगर वो घर में ना रहे। वहीं अमिताभ ने कहा कि वो जब भी बाहर शूट के लिए जाते हैं आराध्या उनका घर पर बेसब्री से इंतज़ार भी करती हैं। तो इस तरह अपनी पोती के साथ उन्होंने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किया है कि वो अक्सर अपने दादू के साथ वक्त गुजारना पसंद करती है। बता दें आप सबको कि आराध्या बच्चन को लेकर ऐश्वर्या ने अपनी फैमिली में अक्सर देखा है कि किस तरह से उसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ देनी है। ये बात अभिषेक ने भी कहा कि अगर आराध्या को नॉर्मल लाइफ मिली है, बाकी स्टार्स किड्स की तरह लाइमलाइट से दूर उन्हें रखा गया है, तो इसके पीछे सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन के डिसीजंस हैं, जिसे बच्चन फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। वैसे आपको जानकारी देना चाहेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक इन दिनों अपनी तलाक को लेकर अफवाहों का शिकार हो रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल बच्चन परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें उनके तलाक की खबरों को सच माना जाए।